ये सरदारा ने कुरैश की लॉजिक थी, इसलिए वो कहते थे कि हम मस्जिद हराम के मुतवल्ली हैं, लिहाजा हम मस्जिद हराम और इसके गिर्द की जगह को सबसे आला समझते हैं। तो ये वकूफ अरफा नहीं किया करते। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वकूफ अरफात के बारे में बतला दिया था, लिहाजा हिजरत से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने जो हज किए आप अपने ऊंट पर अरफात भी तशरीफ ले जाते थे वजू के। अब इस पर मुहद्दिसीन ने काफी तफसील लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत से पहले कितने हज किए, बाद में कहा तीन किए, बाद में कहा दो किए, लेकिन जिस बात पर उलमा का इजमा हुआ उनके से दो हज किए। ये वही दो हज थे जिनमें मदीना के अनुसार हजरात ने आकर बैत की थी, बैत उकबा दूला और बैत उकबा थानिया। तो ये दो हज हजे हिजरत से पहले हुए। अलबत्ता जब आपने हिजरत फरमा ली तो उसके बाद मदीना तैयबा से आप नहीं तशरीफ लाए, नौ हिजरी में हज फर्ज हुआ, तो नबी इस्लाम ने पहले साल सिद्दीक के अफजानों को भेजा। उसकी वजह यह थी कि कुछ ग्राउंड प्रिपरेशन की जरूरत थी। अरब के लोग जमाने जाहिलियत में तवाफ करते थे तो उनके जिस्म के कपड़े भी पूरे नहीं होते थे, तो सिद्दीक गुलामों ने आकर इन तमाम नाजायज चीजों के खत्म होने का ऐलान करवाया। अब माहौल बिल्कुल सही हो गया तो दसवीं हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम खुद हज के लिए जी गया। जब आपने हज के इरादे का इजहार फरमाया तो मदीना तैयबा के लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अल्लाह की शान देखें कि जिन दिनों हज की तैयारी हो रही थी मदीना में हिजरत की वबा फैल गई और बहुत सारे सहाबा बीमार हो गए और बीमारी की वजह से मजबूर थे, मजबूर थे, साथ आने से छूट गए। जिनको अल्लाह ने चाहा वो साथ निकले, ताहम जब निकले तो 45,000 के करीब सहाबती का नाम। फिर रास्ते में करीब के जो बस्तियां थी जो कबीले रहने वाले थे वो आकर काफिलों को शिकर में मिलते रहे, हत्ता के जब हज का मौका हुआ तो मैदान अरफात में तकरीबन 1,24,000 सहाबा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब हज का इरादा फरमाया तो अपने पीछे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबी थे, उनको मदीना का निगरान बनाया कि आप यहाँ रहे और जो बाकी लोग हैं बीमार हैं, कमजोर हैं, बूढ़े हैं, उनकी खबरगिरी करें। जब खुद तशरीफ ले चले तो आपके साथ सैयदना सिद्दीक अकबर जानो भी थे, सैयदना उमर फारूक जानो भी थे और सैयदना उस्मान अली जानो भी थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन गए हुए थे, वो यमन से वहां के कुछ आदमियों को साथ लेकर आए और रास्ते में आकर मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने इस सफर में अपनी तमाम अजवाज को अपने साथ शरीक सफर करवाया। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से चले और आप ज़ुल्हलीफा एक करीब जगह है वहां पर आपने पड़ाव डाला, रात गुजारी। उस रात में आपने अपने तमाम अजवाज से मुलाकात भी फरमाई। अगला दिन हुआ तो आपने दिन में गुसल किया, तैयारी फरमाई और इहराम के लिए मुस्तकिल गुसल फरमाया, क्योंकि जब आपने गुसल वैसे फरमाया तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपके जिस्म पर खुशबू मली और सर के दरमियान जो मांग थी उसमें मुश्क लगाई, खुशबू लगाई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इहराम में गुसल फरमाया, पानी बहा लिया और दो चादरें सफेद नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाई, एक को कहमन की तरह मांग लिया और एक को चादर की तरह लपेट लिया। ये इहराम था। अब जब वहां से निकलने लगे
तो नबी अलैहिस्सलाम ने नियत फरमाई हज। अब यहाँ पर एक लंबी तफसील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज इकरार की नियत की या हज तमत्तु की नियत की या हज इलान की नियत, इस पर बहुत सारी तफसीलात हैं। लुब्बे लुबाब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज और उमरा दोनों की इकट्ठी नियत फरमाई, हज और उमरा दोनों की इकट्ठी नियत फरमाई। चुनाचे ये हज किराम जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने नियत फरमाई, यहीं पर जब रात गुजारी तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया अस्मा बिन्त अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई, तो मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर बैठे हुए। अब अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी मैं तो सदर हज की नियत से चल पड़ी और मुझे तो ये मामला पेश आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि तुम अपने आप को साफ कर लो, लरोट बांध लो और एहराम की नियत करो। चुनाचे यहाँ से मसला निकला कि निपास की हालत में भी औरत एहराम की नियत कर सकती है, बल्कि रास्ते में मकाम सर के ऊपर सैयद आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अय्याम मखसूस आ गए, हदीस मुबारक में आती हैं, जो रोने लगे। नबी साहब ने पूछा, आयशा क्यों रो रही हो? कहने लगी, जब मुझे तो नमाज ही नहीं पढ़नी और मैं आपके साथ सफर पर निकली थी तो मैं हज करूंगी और अब तो मैं हरम में दाखिल नहीं हो सकती। तो नबी साहब ने फरमाया कि तुम अपनी नीयत उसी तरह रखो और एहराम तुम्हारा अभी रहेगा इसी तरह, ताहम तुम अभी बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकते और मुझे हराम में तुम इंतजार करो। उनके दिल को तरह तसली हो गई। नबी अलैहिस्सलाम 24 ज़िलक़ादा 10 हिजरी ज़ुल्हलीफ़ा से रवाना हुए, ईद मिलाद करने का। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर व बेशतर जुमेरात के दिन सफ़र फरमाते, जो सफ़र नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे अक्सर व बेशतर जुमेरात के दिन फरमाते, और अगर जुमा के दिन करना होता तो जुमा की नमाज के बाद सफ़र फरमाते और दिन के शुरू में सफर फरमाते, दिन के शुरू में सफर। अब जब ज़ुल्हलीफ़ा से ये काफिला हज के लिए रवाना हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने तल्बीहा पढ़ा तो सहाबा ने भी तल्बीहा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहिस्ता आवाज से पढ़ रहे थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तल्बीहा को मुनासिब बुलंद आवाज से पढ़े। सहाबा-ए-किराम फरमाते हैं कि फिर हमने इतना तल्बीहा पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते हमारी जुबानें खुश्क हो जाती थी, मुँह खुश्क हो जाते थे इतना तल्बीहा पढ़ते। तो मर्दों के लिए बुलंद पढ़ना अफजल, औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ना अफजल। ये आहिस्ता क्यों पढ़े, कितने की वजह से कि मर्दों तक उसकी आवाज न पहुंचे। हाँ, अगर कहीं कोई मर्द है ही नहीं और कोई औरत इस पर अगर ऊंची आवाज से तल्बीहा अकेले में पढ़ लेती है तो शर्म जाए। सफर जब शुरू हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयद आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ऊंट था वो ज़रा तेज रफ्तार था और आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी हल्की फुल्की थी। उसके बिलमुकाबिल हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका ऊंट ज़रा सुस्त रफ्तार था और उनका वजन भी जरा ज्यादा था, तो बार बार ऐसा होता कि काफिला आगे चला जाता और उनका ऊंट पीछे रह जाता। उम्मुल मोमिनीन
सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। चुनाचे एक जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि आप हल्की फुल्की हैं और आप बहुत की तरह तेज रफ्तार है और इनको मुश्किल पेश होती है साथ चलने में, तो अपना ऊंट इनको दीजिए और इनका ऊंट आप ले लीजिए। अब इस पर आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी इस्लाम की तरफ देखकर कहा आप अल्लाह के नबी हैं, आप इंसाफ करें। मतलब ये कि एक तबई की चीज है कि इंसान सफर में अपनी चीज क्यों किसी दूसरे को दे रहे, मुझे भी तो जरूरत है। ताहम नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये बात समझाई और ऊंट जो थे वो दोनों बदल लिए और इस तरह मामला आ गया। जब रास्ते में थे तो अल्लाह ताला की शान देखें कि एक ऊंट पर नबी अलैहिस्सलाम का भी सामान था और सिद्दीक के अकेला का भी सामान था, राधे राह इकट्ठा था। और सिद्दीक के गुलामों का एक गुलाम था जिसके उन्होंने जिम्मे लगाया था कि इस ऊंट का ख्याल रखना, वो ऊंट कहीं गुम नहीं। अब सिद्दीक के गुलाम ने उनसे पूछा ऊंट कहाँ है, वो कहते जी गुम हो गया। वो तो बहुत ही गुस्से हुए और फरमाया कि एक ही तो ऊंट था, तूने उसका ख्याल न रखा, और कोड़ा लेकर मारने शुरू हो गए। नबी ने साहब सामने मना फरमाया अबूबकर गुस्सा न करो, मामला अल्लाह की तरफ से होते, मामला अल्लाह की तरफ से होते। अब देखिए नुक्ता यहां कि सफर हज में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सामान गुम हो गया। आज हमारे सफर में कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो हम पता नहीं क्या क्या सब शुरू कर देते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को जब पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के सामान वाला गुम हो गया तो फिर एक सहाबी के उनके पास हलवा था हदीस, तो वो लेकर आए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हलवा पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी खाया, साथ वाले को भी खिलाया। अल्लाह की शान देखें कि हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला एक सहाबी थे और इनके जिम्मे था कि जब काफिला कहीं से चलता तो ये पीछे रहते और हर चीज की निगरानी करते थे, कोई गिरी चीज, पड़ी चीज, रह गई चीज उसको लेकर आते थे सामान समेट कर। चुनाचे अगले दिन जब पीछे से हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो वो सामान वाला ऊंट भी उनको मिल गया, उसको भी साथ लेकर आए। नबी अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर मेहरबानी फरमा दी और ये ऊंट हमें अल्लाह ने अता किया। यहां पर एक बात और भी कि सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आज भी पीछे रह जाती थी तो वो रो रही थी तो नबी अलैहिस्सलाम उनको खामोश करवा रहे थे, दिलगी फरमा रहे थे और जितना ज्यादा वो रोती आप और उनके साथ नरमी मोहब्बत का इजहार फरमाते तो और रोने लगे। तो दिल आखिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनको मना फरमाया कि नहीं ऐसे तो नहीं और खामोशी अख्तियार। अब उस खामोशी से वो ये समझी कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खफा, उनको फिक्र लगी। तो फिक्र लगी तो वो जानती थी कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की महबूबा भी है और बहुत समझदार भी है। तो उन्होंने उनसे बात की कि आप नबी अलैहिस्सलाम की सामने सिफारिश कर दीजिए, आप मान जाएंगे इसे। उन्होंने फरमाया कि अच्छा आज आपकी बारी है तो आज की रात मुझे दे दीजिए। तो एग्रीमेंट है ना आपस में समझदार की, उनका आज ही रात मुझे दे देना, उनका मैंने आज की रात आपको दे दी। जिना चाहे दिल्ली का जुलाना फरमाती है कि मैंने अपने दुपट्टे को निकाला और उस पर खुशबू छिड़की और जब ईशा के बाद का वक्त हुआ तो मैंने वो दुपट्टा खुशबू वाला लिया और नबी इस्लाम के खेमे में मैंने ध्यान कर देखा और कहा अस्सलाम वालेकुम। नबी इस्लाम ने फरमाया आयशा आज तुम्हारी बारी तो नहीं। तो मैंने कहा लाल फजल्ला है जो कि मैंने
ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमा दे। अब देखिए सफर भी हो रहा है और साथ साथ तालीम और तरबियत का सिलसिला भी चल रहा है। तमाम नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा पहुंचे तो जी तो वाह, यानी मक्का मुकरमा से बाहर आपने पड़ाव डाला और फिर वहां से आप उमरा के लिए हरम शरीफ तशरीफ लाए और आला मक्का से दाखिल हुए। देखिए मक्का मुकरमा का जो मरवा साइड का इलाका है ना, वो ऊंचा है, पहाड़ी है, और मिसफला साइड का जो इलाका है वो निजामे है, इसलिए उसको मिसफला भी कहते हैं। तो इसको असफले मक्का कहते हैं और उसको आला मक्का कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो आला मक्का की तरफ दाखिल हुए। और उसकी एक और वजह भी है कि नबी अलैहिस्सलाम का अपना जो घर मुबारक था वो भी आला मक्का की तरफ था, मौलिदुन नबी जहाँ आपकी विलादत मुबारक हुई, या सैयदा हजरतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर वो भी उसी तरफ था। तो आदमी जब भी किसी शहर में लौटता है तो जिस तरफ अपना घर हो यादें हो उधर जाने को ज्यादा जल्दी जिस पड़ता है। तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से दाखिल हुए और मक्का मुकरमा में जिस दरवाजे से दाखिल हुए उसे बाबुस्सलाम कहा है। तो आप बाबुस्सलाम की मस्जिद में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा फरमाया। लेकिन हदीस पाक में आता है किसी के नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से दूर थे मदीना तैयबा में, तो दिल तो तड़पता है ना अल्लाह के घर के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम की जब पहली निगाहें बैतुल्लाह पर पड़ी तो आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गिरिया फरमाया। अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत ऐसी थी, अल्लाह क्या का वक्त था। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम फरमाया, इस तवाफ में नबी अलैहिस्सलाम ने इस तवा भी किया और रमल भी किया। इस तवा कहते हैं कि एहराम दाएं कंधे से नीचे ले जाना, दाएं कंधा मर्दों का नंगा है, और रमल कहते हैं कि तवाफ के पहले तीन क्षेत्रों का हिम्मत के साथ जैसे पहलवान चलते हैं इस तरह चलना, कदम छोटे छोटे होता है, दौड़ना नहीं होता इसमें, लेकिन हिम्मत से चलना होगा। ये हिम्मत से चलना क्यों है, इसकी भी एक तारीख है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश मक्का ने कहा कि इस वक्त जो लोग आए हैं उमरा करने की नियत से ये वापस चले जाएं, के नाम खोल दें, और फिर अगले साल दोबारा उमरा करने के लिए आए तो हम कर लेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर सुलह फरमा ली, एग्रीमेंट हो गया। तो जब अगले साल उमरा के लिए आए तो कुरैश मक्का देख रहे थे, उनको पता था कि मदीना में कई मरतबा बीमारियां भी आ जाती हैं। तो उनमें से एक मुशरिक ने कह दिया कि देखो ये तुम्हारे दोस्त भाई मदीना से आए हुए, यसरब से आए हुए, बुखार ने इनको कमजोर करके रख दिया। ये अल्फाज उसने कह दिए कि बुखार ने इन सब को कमजोर करके रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के पहले चक्कर जो थे वो जरा जोश के साथ, जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ लगाए, अल्लाह ताला को महबूब की अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने उसको तवाफ का हिस्सा बना दिया। उसके बाद उसे फिर जब भी ऐसा तवाफ होता था जिसके बाद सही करनी हो उसने रमल किया था। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरतुल विदा के इस उम्रे के तवाफ में भी रमल फरमाया और बाकी चार चक्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम के साथ किए। जब तवाफ हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम के महाज में आए और आपने दो रकत दोगाना तवाफ के अदा की, दुआ मांगी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से दमदम पर आए। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी का डोल पेश किया गया,
नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग इसे हज का एक हिस्सा समझ लेंगे, मैं खुद डोल निकालता पानी का। खुद इसलिए नहीं निकाला कि लोग इसे हज का अमल ना बना लें। ताहम नबी इस्लाम को जब पानी का डोल पेश किया गया, इसके पास में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस डोल में से कुछ पानी नोश फरमाया और जो बच गया उस पानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कुएं के अंदर वापस डाल दिया। चुनाचे उस पानी के वापस डालने की बरकत ये है कि आज जो भी हाजी हज के लिए आता है, जमजम पीने का शर्त पी पाता है, नबी अलैहिस्सलाम का झूठा पानी पीने का भी शर्त पा लेता है। क़यामत तक के लिए हज उमरा में आने वालों को साबित दे दी शामिल है। महबूब की शफकत देखिए, रहमतुल्लिल आलमीन ही देखिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वालों को भी इस नेमत से महरूम न होने दिया। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हज को भी बोसा दिया और हजरत अस्वद पर सहाबा भी मौजूद थे। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उमर लानो को बुलाकर कहा कि उमर, तुम हिम्मत वाले और कभी नौजवान हो, अगर हजरत अस्वद को बोसा देना हो तो तुम जोर आजमाई में करना। तो उमर लानो को नबी अलैहिस्सलाम ने बिलखसूस ये बात कही। इससे अंदाजा ये होता है कि इस बात से पहले सहाबा बोसा लेने में वो एक दूसरे की रियायत करते होंगे मगर हिम्मत से काम तो लेते होंगे ना। तो जी तो फरमाया कि जोर आजमाई में करना। चुनाचे उसके बाद सहाबा लानो बोसा लेने के लिए जोर आजमाई नहीं किया करते। अगर करीब होते हैं तो बोसा ले लेते।